अजय जैन भटोरिया जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो मोहर लग गई है आगे, लेकिन सवाल ये कि सेनेट में क्या होगा? अब तस्वीर तो वहां से तय होगी आगे की। बिल्कुल, आज आपने जैसे देखा कि 10 रिपब्लिकन और बाकी डेमोक्रेट्स मिला के जो ट्रंप को इम्पीच करने का निर्णय लिया है और क्राउड को उकसाने का और विद्रोह करने का प्रेरित करके और वायलेंस जो हुआ कैपिटल उसके लिए, तो उसको जवाबदेही ठहराते हुए ट्रंप को ये निर्णय लिया गया है। बाकी सेनेट में अभी एक वीक बचा है ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में और एक वीक के भीतर सेनेट से कोई डिसीजन होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम कम है। लेकिन ये तय है कि ट्रंप का सूर्यास्त हो चुका और एक नए सूर्योदय का, नए अमेरिका का सूर्य उदय हो रहा है। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या बहुमत जुटा पाएंगे सेनेट में? देखिए, मिच मैकोनल ने अभी तक जो मीडिया में इंडिकेशन दिया है कि वो भी इस इम्पीचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहना अर्ली होगा कि हमें जितने वोट चाहिए, पूरे 67 वोट जो चाहिए सेनेट में, वो होंगे या नहीं होंगे, ये कहना अर्ली है। बट एक चीज क्लियर है कि अगर 50% भी वोट होते हैं तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं आगे फ्यूचर में, वो की एक बहुत अच्छी बात होगी। जो ये दुनिया के लिए खतरा है वो एक चीज हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होने बाकी हैं, क्या क्या निकल के आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से वो काफी बाकी है। पुनीत आलूवाले जी, What is your question precisely? देखिए, जो परिस्थिति अभी दिखाई देती है, जो कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हुआ वो एक तरफ, लेकिन क्या सेनेट में मोहर लग पाएगी? बिल्कुल नहीं जी, वेरी अनलाइकली। एक हफ्ता रह गया और उसके बाद आई थिंक जो मेरा सुझाव होगा कि अगर कंट्री को आपने यूनाइट करना है तो ये डिवाइसिव पॉलिसी छोड़े और एक क्रिएटिव काम करें, जो कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत मुश्किल से होता है। ये सेकंड टाइम इम्पीचमेंट कर रहे हैं, पहले भी इट वाज अ शैम इम्पीचमेंट, नाउ अगेन इनसे क्या कहते हैं, कोविड क्राइसिस में बिल तो पास हुए नहीं इन अर्जेंसी, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आप ही के 10 सांसदों ने जो है वो ट्रंप के खिलाफ वोट किया, आप ही के 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। बिल्कुल मॉरली राइट, जो हुआ गलत हुआ, उसके लिए इट्स डिसग्रेसफुल, डिसअपॉइंटिंग, ये नहीं होना चाहिए था। वी एज अ party which believes and supports men and women in blue, especially we believe in law and order, rule of law, individual liberty, ye galat hua jo hua, aur hum as a republican, as a proud republican, I say jo humne kiya galat kiya, but uska ye bhi matlab nahi hai ki country ko aur divisive path mein leke chale. Aap 6 mahine se dange fasad kar rahe hain, chahe wo Portland Oregon mein ho, chahe Washington DC mein ho, chahe Richmond mein ho, aap usko to kuch nahi, aap you are not taking care of that issue जो एंटीफा ने और क्या कहते हैं BLM मूवमेंट ने किया, और साथ ही साथ आपने पूरी इकोनॉमी को चोक करके रखा हुआ है, सो दैट द डिसअपॉइंटमेंट जो हमारी, जो अमेरिकन्स की डिसअपॉइंटमेंट है, इट कम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द लीडरशिप। सो दिस इज ऑल पुनीत आलूवाले जी, अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार अमेरिका, जो पूरी दुनिया को सीख देता रहा है अलग अलग मसलों पर, मामलों पर, अगर वो खुद ऐसी परिस्थिति से वो देश चूक गया और जिनकी लीडरशिप में चूक गया, तो सारे सवाल और ये पूरी कार्रवाई तो उसी वजह से हो रही है ना। खैर, मैं लौटती हूँ आपके पास। गीता मोहन भी हमारे साथ आ गई हैं। गीता, जो परिस्थिति अभी अमेरिका में दिखाई दे रही है, सेनेट से क्या होगा, आप निगाहें इस बात पर है, लेकिन ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसी के आगे का एक सवाल ये कि अगर 20 तारीख गुजर भी जाती है तो क्या उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन हो सकता है महाभियोग के मद्देनजर? मीनाक्षी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें और उनका सुने तो ये तो एक तरफ जो ये जनवरी 20 का डेडलाइन है, वो डेडलाइन ऐसे खास कोई डेडलाइन नहीं है। जो 5 दिन बचे हैं, जो 7 दिन बचे हैं, उसमें अगर सेनेट में ये प्रस्ताव मूव होता है तो 2/3 की मेजोरिटी की जरूरत जरूर है। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इतने रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स की तरफ इम्पीचमेंट मूव में अपना हामी भरेंगे, तो कहीं ना कहीं नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। लेकिन अगर 20 जनवरी का डेडलाइन खत्म भी हो जाता है तो पहले 100 दिन मीनाक्षी ऐसे रहेंगे जहां पर जो बाइडेन ट्रंप पर बिल्कुल फोकस नहीं करने वाले, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करेंगे। 100 दिन बाद सेनेट में फिर इस प्रस्ताव को लिया जाएगा और अगर तब सपोर्ट बनता है तो तब भी वो इम्पीच हो सकते हैं। तो अभी डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं कि क्या उनके पास वो 2/3 मेजोरिटी है कि वो बड़े कॉन्फिडेंटली सेनेट में ये प्रस्ताव को मूव करें या नहीं।
गीता, कहीं एक परिस्थिति ऐसी तो नहीं बन रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने स्ट्रांग स्टेटमेंट्स उनकी पार्टी के भीतर से आ रहे हैं और जो विरोधी उन पर जिस तरह के हमले कर रहे हैं कि उनको रोका जाए कि वो 2024 में भी कैंडिडेट हो पाए या इलेक्शन लड़ पाए? सिर्फ अभी की समस्या नहीं है? देखिए, ये तो बात सच है कि अगर बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स के भीतर ही बहुत ही ज्यादा रिफ्ट्स हो गए हैं मीनाक्षी। जनवरी 6 से पहले अगर किसी भी रिपब्लिकन को पूछते तो ये काफ़ी नामुमकिन लगता कि वो जाकर डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हों या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में वोट करें। लेकिन जनवरी 6 के बाद रिपब्लिकन्स बिल्कुल हिल गए, काफ़ी सारे बहुत ही नाखुश और नाराज़ हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को यह हक होना भी चाहिए कि वो अपना पिच फिर से कर सके। तो अगर उसको रोकना चाहते हैं तो शायद काफ़ी सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स इम्पीचमेंट मोशन में मूव को हामी भर सकते हैं। लेकिन ये एक रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल वाला दौर है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ही बहुत ही मुसीबतों से के दौर से गुजरेगा अगर वो अपने ही सिटिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दे। तो उनको सोचना होगा कि उनके पार्टी का क्या फ्यूचर रहेगा अगर वो इस मूव का साथ देते हैं।